एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्रॉम फूड। मैं प्रगति पंडित आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए साथ नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ अपनी, चॉकलेट ब्रेड रस मलाई। इसके लिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने के लिए रखेंगे। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट क्रीम मिल्क है। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे हम, और हम दूध को आधा घंटा तक थोड़ा उबलने देंगे, जिससे तो ये दूध आधा हो जाए कम होकर। तब तक हम इस दूध को बॉईल करेंगे। ये दूध में बॉईल आ चुका है, लेकिन दूध को हम और थोड़ी देर उबलने देंगे, जब तक ये दूध आधा ना हो जाए। इसके लिए थोड़ा देर हम दूध और उबलने देंगे। देखिए, दूध एकदम उबल चुका है हमारा और एकदम गाढ़ा हो चुका है। इसे हम शक्कर डालेंगे, चीनी डालेंगे। मैंने 5 चम्मच चीनी डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डालिएगा। अब इसमें कटा हुआ पिस्ता डालूंगी मैं, और कटा हुआ बादाम भी डालूंगी। थोड़ी देर और बॉईल होने देंगे। बड़ा चम्मच कोकोआ पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच लूंगी। इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करूंगी, चम्मच से मैं मिक्स कर लूंगी इसे। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, एकदम कोई गुठली ना रह जाए, इसलिए अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। दूध और कोका पाउडर का, अब इसे मैं इस दूध में मिक्स कर दूंगी। इसी तरह से अच्छी तरह से चलाएंगे इसको। देखिए, दूध भी एकदम गाढ़ा हो चुका है हमारा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले हम, इससे कोई लम्स ना रहे। चॉकलेट रस मलाई का दूध एकदम अच्छी तरह से बनकर तैयार है। दूध भी एकदम गाढ़ा हो चुका है मलाई वाला। और अगर आपको और जल्दी दूध गाढ़ा करना है, तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, अगर आपको चीनी नहीं डालना है उसमें तो। देखिए, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ऐसे हम ठंडा होने के लिए, पहले हम ठंडा करेंगे इसे नॉर्मल, फिर इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये मैंने ब्रेड की स्लाइस लिए हैं। अब उस एक ग्लास लूँगी ऐसा राउंड, मैंने ग्लास लिया ऐसा राउंड शेप में। आप चाहे तो आपके गोल शेप का कुछ भी हो तो आप उससे ऐसे लें, और ब्रेड को बीच से ऐसे कट कर लें इस तरह से। देखिए, शेप अच्छा आया है अपना। इसी तरह से हम सारे ब्रेड्स को कट करके रख लेते हैं। देखिए, हमने सारे ब्रेड्स को ऐसे कट कर लिया है। इसी तरह हम सारे और सारे ढेर सारे ब्रेड्स को कट कर लेंगे रसमलाई के लिए। ये मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। इसे, ये मावा ऑप्शनल है टोटली इसके अंदर डालने के लिए। अगर आप डालेंगे तो इससे और अच्छा रसमलाई, चॉकलेट रसमलाई का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इसमें 1 चम्मच में ड्राई फ्रूट पाउडर है मेरे पास, घर का बनाया हुआ, वो मैं डालूंगी। दूध मसाला पाउडर भी जिसे बोलते हैं हम, और 1/2 चम्मच हम इसमें कोका पाउडर भी डालेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। जिससे मावा में एकदम कोका पाउडर मिक्स हो जाए। देखिए, रसमलाई की स्टफिंग एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। हमारा दूध मसाला पाउडर और कोका पाउडर एकदम मिक्स हो चुका है मावा में। अब हम रसमलाई बनाते हैं। ये मैंने मावा की स्टफिंग ली, मैंने इस तरह से चॉकलेट मावा की, और मैं इस तरह से इस पर स्प्रेड कर दूंगी। पहले मैं स्टफिंग वाला और बिना स्टफिंग वाला भी दोनों मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मैंने ब्रेड के ऊपर स्टफिंग लगा दी मावे की। एक कटोरी में मैंने दूध लिया है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे चारों तरफ ब्रेड के साइड से पोर कर लूँगी।
ब्रेड को ब्रेड के ऊपर। इस तरह से मैं जो दूसरा ब्रेड का साइज है मैं इस तरह से लूंगी और एक फॉर्क लेंगे, उसे हम इस तरह से दबा देंगे अच्छी तरह से जिससे ये बंद हो जाए। रसमलाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। रसमलाई इस तरह से बनकर तैयार है। इसी तरह सारे रसमलाई को हम स्टफिंग कर लेंगे और विदाउट स्टफिंग वाला भी हम रसमलाई बना के दिखाएंगे आपको। इसके ब्रेड को भी हम इस तरह से इस पे रख देंगे और ग्लास को हम इस तरह से रखेंगे। हमें दूध को पोर करने की भी ज़रूरत नहीं है ना चिपकाने की फॉक से। ये हमारा देखिए इतना अच्छा ब्रेड रसमलाई स्टफिंग तैयार हो गया है। देखिए हमें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अच्छी तरह से एकदम स्टफ हो चुका है, बंद है एकदम चारों साइड से। हमारा दूध भी एकदम ठंडा हो चुका है देखिए, रसमलाई का, चॉकलेट रसमलाई का। अब हम रसमलाई को प्लेटिंग कर लेते हैं रसमलाई की। ये मैंने स्टफ वाला रसमलाई रखा है पहले। ये रसमलाई बहुत चॉकलेट रसमलाई सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चे से बड़ों को। अब ये जरूर रेसिपी जरूर ट्राई करें। और इस पे हम ये स्टफ वाला हमने रखा है इसमें। इस पे मैं सादा वाला रसमलाई रखती हूँ विदाउट स्टफिंग वाला। ये ब्रेड की स्लाइस इसके ऊपर मैं अब इस पे दूध डालूंगी मैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये रसमलाई। इस पे थोड़ा सा बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। गार्निश करूंगी थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से। ये स्टफिंग वाला रसमलाई है, ये विदाउट स्टफिंग वाला। देखिए कट करके दिखाती हूँ रसमलाई कितनी अच्छी बनी है। हमारी चॉकलेट रसमलाई ब्रेड चॉकलेट रसमलाई एकदम बनकर तैयार है। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फन फ्रॉम फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।